आजकल पूरे प्रदेश में लाडली बहना योजना एवं नारी सम्मान योजना के चर्चे हैं। सत्तारूढ़ दल लाडली बहना को प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना बता रहा है, तो विपक्ष इसमें कमियों को गिना रहा है। आज हम आपको इन्हीं योजना से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट दिनेश दसुंदी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश दसुंदी, एक बार फिर एक विशेष खबर के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूं। आज हम महिलाओं के मुद्दों पर बात करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार यानी शिवराज सरकार लाडली बहना के माध्यम से महिलाओं को 1,000 रुपये देने का वादा कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महिलाओं को 1,500 रुपये देने का दावा कर रहे हैं। इन दावों और वादों के बीच महिलाओं का क्या कहना है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से, और जानेंगे कि महिलाओं और नेताओं का इस मामले पर क्या कहना है। उससे पहले देखते हैं इस मामले को लेकर, इन दोनों योजनाओं को लेकर, नारी सम्मान एवं लाडली बहना योजना को लेकर हमारी एक विशेष छोटी सी रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में इन दिनों महिलाओं से जुड़ी कांग्रेस एवं बीजेपी दोनों की योजनाओं चर्चाएं चल रही है। वर्तमान की भाजपा सरकार लाडली बहना योजना के माध्यम से महिला वोटरों को साधने का प्रयास करती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना को इसका तोड़ मान लिया है। इन सब के बीच महिलाएं और आम जनता क्या सोचती है, यह जानना भी जरूरी हो जाता है। इन दिनों कांग्रेस गांव-गांव जाकर वचन पत्र के जरिए नारी सम्मान योजना के फॉर्म महिलाओं से भरवा रही है, तो बीजेपी का दावा है कि उन्होंने लाडली बहना योजना को जमीन पर उतार दिया है एवं जून माह से 1,000 रुपये की राशि महिलाओं के बैंक खातों में डालना शुरू भी हो जाएगी। मुफ्त के इन वादों और दावों के बीच जमीनी मुद्दे कहीं न कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर कटाक्ष के जरिए महिला वोटरों को अपने पाले में करने में जुटी है। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा अहम भूमिका निभाएगा, इस पर आम जनता और नेताओं की अलग अलग राय है। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। उनसे दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक महिला भी जुड़ रही है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? भारती मंडल। क्या करते हैं? सिलाई। आपको लाडली बहना के तहत 1,000 रुपये मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे इस रुपयों का? ये कुछ भी घर खर्च में, जैसे महंगाई बढ़ गई है तो कुछ भी काम में लेंगे। अच्छा, इसके विपरीत तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आपको 1,500 रुपये देंगे, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अच्छा है, ये भी देना चाहिए, वो बोल रहे तो। अच्छा, तो जैसे 1,000 और 1,500 रुपये मिल रहे हैं, तो आप 1,000 वोट करेंगे या 1,500 वोट करेंगे? नहीं, ये वोट तो हमारा अधिकार है। ये 1,000-1,500 के लिए थोड़ी ना हम इसको करेंगे। अच्छा, तो आप किसको वोट देंगे सर, कुछ बताएंगे? ये तो समय आने पे जो हमको ठीक लगेगा। अच्छा, मतलब 1,000 और 1,500 रुपये कोई मायने नहीं रखते? नहीं, नहीं। अच्छा, मतलब आप वोट उसको देंगे जो आपको सही लगेगा। नोट और वोट में कोई थोड़ा वो है, नोट ऐसे वोट थोड़ी खरीदे जा सकते। बहुत चर्चा करने के लिए भाजपा की ओर से विशाल मधुकर जुड़ रहे हैं, जो ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भी हैं, उनसे जानते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। विशाल जी, पहले भाजपा ने 1,000 की महिलाओं के लिए योजना लॉन्च की लाडली बहना, उसके बाद में अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो 1,500 रुपये देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस का तो आपको मालूम ही है कि जो 15 महीने की सरकार रही थी कांग्रेस की, उसमें वो कोई जन कल्याणकारी योजनाएं ला नहीं पाई, और उन जो योजनाओं को चल रही थी उनको निरंतर रख नहीं पाई, तो वो नए सिरे से लोगों को झूठ और धोखा करके बहनों को वो लालच दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि केवल ये चुनावी मुद्दा है? हाँ, ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा है, ये आश्वासन है, ये लालच है, और हम 1,500 की लालच देकर हम अपने वोट बैंक बना लेंगे, महिलाओं को हमारे पक्ष में कर लेंगे, ये दोगली कांग्रेस का झूठा वादा है। कांग्रेस कहती कि उन्होंने कर्ज माफी के उधर कदम बढ़ाया था, उसके बाद भाजपा ने उनके कदमों को खींच के सरकार गिरा दी थी, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले 2,00,000 रुपये का लालच दिया था भोले भाले किसानों को, लेकिन उन लोगों की, कांग्रेस की सरकार 15 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाई, क्योंकि उनका झूठ सामने आ गया था, और उसके बाद में आज भाजपा सरकार ने जो कहा है वो पूरा किया है। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे कि लाडली बहनी योजना में सीधे तौर पर महिलाओं को अब 1,000 रुपये मिलने लगेंगे? महिलाओं को अभी अगले महीने से 1,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे, भाजपा सरकार की जो योजना है लाडली बहना,
विशाल जी, कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों और इस तरह की रेवड़ियों के बीच सरकार और जनता के कई मुद्दे जो छूटते जा रहे हैं, जैसे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बातें नहीं हो पाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा सरकार की उपलब्धियाँ अभी तो देखिए कि भाजपा सरकार ने इन 2014 के बाद से, मोदी सरकार के आने के बाद से, देश में कितनी सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 है, और भी ऐसे अनेकों अनेक धार्मिक स्थल है, पूजा जो नहीं सर, विशाल जी, इसके अलावा भाजपा पर एक आरोप हमेशा से लगता रहा है कि महंगाई के मुद्दे पर भाजपा हमेशा खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती। महंगाई है तो आय भी तो बढ़ी है लोगों की, योजनाएं भी तो मिल रही है सरकार की। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अजय मंडलोई जुड़ गए हैं, जो विधायक प्रतिनिधि भी हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। एक तरफ भाजपा लाडली बहना योजना लॉन्च कर रही है 1000 रुपये की, तो उस पर कांग्रेस के कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 1500 रुपये देंगे, दोनों योजनाओं में क्या अंतर? दोनों योजनाओं में जमीन आसमान का अंतर। लाडली बहना में पात्र 23 वर्ष से उम्र लगाकर 59 वर्ष तक ही उम्र की पात्र महिलाएं आ रही है, और इसमें जमाने भर की फॉर्मेलिटी निभाना पड़ रही है, बैंक अकाउंट नंबर, KYC, तो सभी चीज़ें अपडेट करने का बोल रहे हैं, जबकि कमलनाथ जी जो 1500 रुपये नारी सम्मान योजना लेके आ रहे हैं चुनाव में, और वो वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर घर की महिला, तो उस घर में यदि 4 महिलाएँ पात्र 18 से लगाकर भले 118 साल उम्र क्यों नहीं हो, सभी महिलाओं को उस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, लाडली बहना योजना में कई पात्र महिलाएं छूट गई हैं? बहुत सारी पात्र महिलाएं छूट गई है, जिसमें फार्म की कई विसंगतियां है, ID वगैरह अपडेट नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर अपडेट नहीं है, तो किसी का KYC अपडेट नहीं है, तो उसके कारण कई पात्र महिलाएं उसमें छूट गई है, जबकि नारी सम्मान योजना में सभी महिलाओं को, हम सिर्फ समग्र ID नंबर और आधार नंबर, ये चीज़ें अभी हम उनसे मांग रहे हैं फार्म भरने में। भाजपा कहती है कि केवल कमलनाथ जी का एक चुनावी वादा है, जमीन पे नहीं उतरेगा, मतलब एक वादे के तौर पे ही केवल बात कही जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि अभी हमारी वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, वहाँ पे भी ये योजना चल रही, 2000 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जा रहा है, और 500 रुपये में गैस टंकी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, तो जैसे कर्नाटक में अभी उन्होंने 2000 महीना पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है देने का, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी सरकार बनने पर 1500 रुपये महिलाओं को नारी सम्मान योजना में और 500 रुपये में गैस टंकी दी जाएगी। अच्छा, अजय जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पहले भाजपा ने रेवड़ियां बांटी, अब कांग्रेस भी रेवड़ी के रूप में अपना वोट कबाड़ने का प्रयास कर रही है, मुफ्त की रेवड़ी ही से कहेंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? इसको हम रेवड़ी नहीं कहेंगे, क्योंकि महिलाओं को आज की इस महंगाई के दौर में बहुत सख्त आवश्यकता है कि उनको एक थोड़ा सहारा मिले, क्योंकि तेल के दाम आसमान पे पिछले दिनों चले गए थे, अभी वर्तमान में दाल के भाव 150 रुपये किलो पहुंच गए हैं, और गैस टंकी 1150 रुपये मिल रही है, इसलिए कमलनाथ जी ये स्कीम लेके आ रहे हैं कि महिलाओं का थोड़ा जो आर्थिक बजट है घर का गड़बड़ाए नहीं, और उनको सुचारू जीवन चलाने में मदद मिले। अजय जी, आप आज की विशेष रिपोर्ट में हमने नारी सम्मान योजना और लाडली बहना योजना के बारे में लोगों से चर्चा की और आम जनता और नेताओं की राय जानी। आज की विशेष रिपोर्ट में इतना ही, खबरें अभी बाकी है, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SW24, और मुझे इजाज़त दीजिए, आगे एक ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी, SW24। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।